सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वापस से एक और नया एनालिसिस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और काफी अच्छा आपका टाइम जा रहा होगा। तो वापस से आ चुका हूँ आपके लिए एक और एनालिसिस वीडियो लेके। इसमें हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 की, क्योंकि इसमें हमारी एक्सपर्टीज है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप देखो तो निफ्टी ने आज के दिन भी रेंज बाउंड चलाए गए ना कहीं निफ्टी, तो आपके लिए क्या होगा ना, एक रेजिस्टेंस पॉइंट में बता देता हूँ। ये जो है आप इसको एक रेजिस्टेंस पॉइंट बोल सकते हो, बोल सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी ने क्या किया है ना, ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं कि जब थोड़े दिनों से रेंज में चल रहा है तो दिया है। और मुझे कल ऐसा लगता है कि इसके ऊपर निफ्टी जाएगा पर टिक नहीं पाएगा, वापस से नीचे आके कहीं ना कहीं कल के डे लो के नीचे मार्केट क्लोजिंग देने वाला है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलो अभी एक और बार एक आपको लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ। ये लेवल तक मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट कल में आने वाला है, जो कि होने वाला है आपके लिए। आज नेटवर्क का बहुत इशू है भाई। ये लेवल जो है आपके लिए एक बार कल में आने वाला है, मतलब आएगा ही आएगा ये लेवल, ठीक है। ऊपर के साइड की अगर मैं बात करूं, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसका ब्रेकआउट अगर होता है तो अच्छी बात है, होने देना, नहीं तो फिर अगर नहीं होता कहीं ना कहीं यही पे ओपनिंग हो जाती है तो फिर मार्केट वहीं से गिरना स्टार्ट कर देगा। तो आप लोग वहीं से आपकी शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो यार, ठीक है। हाँ तो आप वहीं से क्या कर सकते हो ना, अपने शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो। बाकी गाइस सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आज बहुत हैवी रेनफॉल की वजह से मेरा नेटवर्क का इशू चालू है, इसलिए आज का एनालिसिस वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं, ऐसी एनालिसिस वीडियो के लिए फॉलो कर लो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।